Z5 ग्लोबल पे अभी हाल ही में 8 दिसंबर को एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है कड़क सिंह। और उस कड़क सिंह की एक अदाकारा है संजना सांघी, वो आज हमारे साथ हैं। संजना वेलकम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सो मच सर। बताइए कि मैंने सुना है कि इस फिल्म के लिए कुछ 10 दिन की पहले एक वर्कशॉप हुई और बड़ा कुछ टफ सा काम था। आपके जो पंकज त्रिपाठी जो थे, उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और आप लोगों ने 10 दिन की वर्कशॉप दी, ऐसा क्या खास था? आई थिंक मेरे लिए उसमें खास ये था कि जब कड़क सिंह को मैंने हाँ करी थी अपने तरफ से, पता था कि एक कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट है, इस किरदार को निभाने में बहुत इंटरनल वर्क जाएगा, पर ये थोड़ी फिक्र भी थी कि पंकज सर इतने बिजी एक्टर हैं, उनके पास प्रेप के लिए टाइम होगा या नहीं, उनके साथ मैं टाइम बिता पाऊंगी या नहीं। तभी ये वर्कशॉप केम इन एज अ ऑनेस्टली एज डिवाइन जस्टिस, क्योंकि एक दिन रीडिंग पर पंकज सर ने बोला कि सुनो, आई थिंक 10 दिन के लिए एक वर्कशॉप करते हैं, साथ में टाइम बिताते हैं। एंड ही कॉल्ड प्रसन्ना गुरु, लाइक यू सेड, वो इरफान खान साहब के और पंकज सर के गुरु रहे थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। एंड आई थिंक फॉर मी टू स्पेंड दोज 10 डेज अंडर अंडर प्रसन्ना सर ट्यूटलेज एंड विद पंकज सर, टेकिंग द वर्कशॉप एज दो वी बोथ स्टूडेंट्स एंड लर्निंग फ्रॉम द सेम टीचर, चेंज समथिंग फॉर मी फंडामेंटली, क्योंकि बहुत रेयर होता है एज एन एक्टर टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द क्राफ्ट, टू गो डीपर। तो जब वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू जस्ट फील लाइक यार, इवन अपार्ट फ्रॉम द फिल्म, ये तो लाइफ के लिए ही एक बोनस बोनस एक्सपीरियंस हो गया है। एक बात बताइए संजना, कि इतने बड़े बड़े महारथियों के साथ आपने काम किया इस फिल्म में, जो सभी नेशनल अवार्ड विनर हैं, लेकिन आप भी कम नहीं है, आपने भी 250 किलो की बाइक चलाई है और 14 साल की उम्र से आप एक्टिंग कर रही हैं, राइट? जी बिल्कुल, योर तो रिसर्च इन इज ऑन। महारथियों के साथ काम करके आपको कैसा सीखने को कुछ मिला, कुछ ऐसा लगा बड़ा टफ है, कैसा एक्सपीरियंस बताइए अपना। ऑनेस्टली सर, एक्सपीरियंस मेरा, जैसे आपने कहा कि 13-14 साल की उम्र से ही एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, और जब पहला को एक्टर आपका रणबीर कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स होते हैं, तो उस उम्र में ही इंटिमिडेशन या प्रेशर की आदत छूट गई थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप एज एन एक्टर यू कैन बी फ्री एंड परफॉर्म इफ यू आर फीलिंग दैट प्रेशर। और आई हैव बीन लकी दैट वेदर, लाइक यू सेड, 250 किलो की बाइक जब राइड कर रही थी, तब एक रत्ना पाठक शाह जैसे लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिला, और अब पंकज सर के साथ। एंड आई डोंट नो इफ आई एम लकी और दे आर ऑल जस्ट अमेजिंग पीपल, क्योंकि द अमाउंट ऑफ पेशेंस दे ऑल हैव, there will be times when as a young actor you don't have that level of finesse that they do because they have years of experience with them. Instead of getting irritated, they'll tell you a better way to do it. They'll tell you to relax. They'll tell you to have a sip of chai. And I think that's what makes them special people, at least for me. And I've gotten to learn so much. ये जो learnings का पिटारा है वो अब full to the brim हो गया है, और बस जिंदगी भर अब उसे साथ में चल के हमेशा जाऊंगी। अच्छा, कुछ कड़क सिंह के कुछ ऐसे सीन, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे कुछ पल आपको याद हैं कि जिनको लग रहा हो आपको कि भाई उस वक्त थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई थी इनको रोल करने में? अब ये टू गुड टू बी ट्रू साउंड करेगा, आई नो, मैं जब बोलती भी हूं तो मुझे लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, बट करक सिंह की जो जर्नी रही है वो ऐसी रही है कि ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जहां, और पंकज सर भी आपको यही बताएंगे कि जहां हमें लगा कि यार घड़ी देख रहे हैं हम और सोचें कि शूटिंग खत्म कब होगी, या कि बहुत थकान लग रही है, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट इतनी रॉक सॉलिड थी कि वी ऑल हैड दैट कलेक्टिव पैशन टू जस्ट मेक द फिल्म। एंड अनिरुद्ध रॉय चौधरी एज ए डायरेक्टर, उनकी एक ये नर्चरिंग एबिलिटी है कि जब आप उनके सेट पे होते हो, यू फील लाइक जस्ट गिविंग मोर एंड मोर। तो सीन्स
बहुत सारी हैं फिल्में जो परफॉर्मेंस के तौर पर बहुत ट्रिकी हैं, दे आर वेरी डिमांडिंग ऑल्सो. और ऑफ कोर्स उन दिनों में 100% लेजर फोकस के साथ, यू नो, यू हैव टू अप्रोच द डे. और एक कॉन्फ्रंटेशन सीन है जिसकी बहुत बात हो रही है, मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे. आपने अगर फिल्म देखी हो तो यू नो, जब कड़क सिंह और साक्षी के बीच में एक शोडाउन हो जाता है पब्लिकली, उस दिन आई रिमेम्बर ऐसी फीलिंग हुई थी एज परफॉर्मर्स के, यार कुछ कुछ ऐसा, यू नो, यू ब्रोकन अ ग्लास सीलिंग. आई हैड दैट फीलिंग इनसाइड व्हेन आई सक्सेसफुली परफॉर्म दैट मोनोलॉग. इट फेल्ट लाइक आई ट्रांजिशन ऑन टू अनदर फेज ऑफ माई लाइफ एज एन एक्टर. कड़क सिंह का जब ऑफर आपको मिला तो मतलब आपके जो डायरेक्टर साहब हैं या और जो भी लोग हैं वो उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा कि चलो इस रोल के लिए संजना को लिया जाए? वो ही मैं पूछती हूँ उनसे हमेशा, पर वो यही कहते हैं कि एक्चुअली दो लोगों का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है. वन इज जोगी मलंग, हु इज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ कड़क सिंह. जोगी सर मुझे बचपन से जानते हैं, जब से मैंने रॉकस्टार करी थी उन्होंने मेरे सौयों ऑडिशंस लिए होंगे पिछले 10 सालों में. और आई थिंक जब मेरी नाम की बात आई और टोनीदा ने उनसे पूछा कि संजना के बारे में आप क्या सोचते हो, आई एम टोल्ड दैट जोगी सर इज द वन हु सेड के आंख बंद करके ले लो, शी विल डू मोर देन जस्टिस. सो आई थिंक दैट्स वेयर द फेथ केम. एंड टोनी दा टेल्स मी दैट ही सॉ अ सर्टन वल्नरेबिलिटी एंड इनोसेंस इन किजी बासू इन दिल बेचारा इन माई डेब्यू फिल्म, विच कन्विंस्ड हिम दैट आई कैन प्ले साक्षी. संजना एक बात बताइए, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे आपकी आवाज़ जो है वो मैच नहीं करती, मतलब आपकी आवाज़ को लेकर के लोग जो है, कभी कोई कहता है हस्की है, कोई कहता है सेक्सी है, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में, ये आपकी आवाज़ जो है अब आपके लिए कैसे वरदान साबित हो रही है? ये हमेशा मुझे बोला जाता है स्कूल में, सबसे ज्यादा होता था कि जब आपको कोई देखता है तो ऐसे कभी नहीं सोचेंगे कि आवाज ऐसी ही निकलेगी. ग्रोइंग अप मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी आवाज को लेकर, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं दूसरी लड़कियों के जैसे तो ज्यादा साउंड कर नहीं रही हूँ. कभी कभी मॉम डैड को अपने भाई बन के भी बहुत फूल किया हुआ है मैंने फोन पे. पर आई थिंक एज आई ग्रू अप आई वॉज एबल टू कन्वर्ट दैट इनसिक्योरिटी और दैट कॉम्प्लेक्स इन टू जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ स्ट्रेंथ. एंड नाउ टू सी, आई रिमेम्बर वेन ए आर रहमान सर वॉज डूइंग द बैकग्राउंड स्कोर फॉर दिल बेचारा एंड आई वॉज द नरेटर ऑफ दिल बेचारा. पूरी फिल्म मेरे वॉइस ओवर पर निर्भर थी. ही वॉज द फर्स्ट वन हु गेव मी माई कॉम्प्लीमेंट फॉर माई वॉइस. एंड आई थिंक दैट रियली चेंज समथिंग for me in terms of feeling confident about it. And then I got that opportunity again in Kadak Singh to really play with my voice. So now I think I've turned a new leaf. पर अब भी कुछ कुछ फिल्मेकर्स भी बोलते हैं कि यार यू नो, बहुत पेटीट डेलिकेट गर्ल का कैरेक्टर है पर आपकी आवाज जाएगी या नहीं. ना, आई एम लाइक, मैं आवाज को बदल भी सकती हूँ, वो एक एक्टर का जॉब है. आप बस कन्विक्शन रखो. संजना आप दिल्ली में रहीं और लेडी श्रीराम में पढ़ी हैं, एक इंटरव्यू में आपने ये भी बोला कि आपके माँ बाप जो है अब बॉम्बे में बड़ी चैन की नींद सोते हैं, चाहे आप रात को 3 बजे आएं, लेकिन दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेके आपके माँ बाप बड़े परेशान रहते थे, आप एक भी बज जाते। और जब आपने एक बार बात भी बताई थी वो कौन सा मेहरौली का रोड था कि जब आपको पैदल सड़क पार करके जाना होता था तो उस बीच में ही काफी आपके ऊपर पत्तियां कसी जाती थी। बिल्कुल. राजीव जी विल रिक्वेस्ट टू टेक द लास्ट क्वेश्चन. जी, तो बॉम्बे इज बेटर सेफर? मुंबई डेफिनेटली फॉर यंगर गर्ल्स आई वुड से सेफर. आई डोंट थिंक दैट एनी डिनाइंग दैट. यहाँ मैं बहुत बारी 4-4 बजे सुबह हमारा पैकअप होता है, मैं अकेले फिल्म सिटी से वापस घर आती हूँ या जहां भी हम शूट कर रहे होते हैं. और
एक बारी थॉट भी नहीं होता मेरे मन में या मेरे पेरेंट्स के मन में कि यार नहीं कर सकते. एंड आई थिंक दैट्स जस्ट क्रेडिट टू द कल्चर ऑफ द सिटी. यू नो, एक इमिग्रेंट्स की सिटी है बॉम्बे, यहाँ से सब जगह से लोग आते हैं. तो एक वो एलिमेंट भी है जहाँ पीपल आर लुकिंग आउट फॉर ईच अदर. भसड़ है, कॉम्पिटिशन है, पर एक वो साथ भी देते हैं लोग अपना. एंड आई थिंक दिल्ली होपफुली विल गेट बेटर, पर एज अ दिल्ली की लड़की, मतलब मेरे वार्डरोब में कभी ड्रेसेस या स्कर्ट्स नहीं थी ग्रोइंग अप. हमेशा पैंट्स ही पहनने पड़ते थे क्योंकि बहुत कैट कॉलिंग वगैरह होती थी. सो आई एम वेरी वोकल अबाउट दैट बिकॉज आई फील दैट गर्ल्स इन दिल्ली और एनी पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया डिजर्व टू बी फ्री इन पब्लिक स्पेसेस. तो आई होप दैट इट गेट्स बेटर विद टाइम. थैंक यू संजना। कड़क सिंह थ्रिलर को लेके हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और पिक्चर रिलीज हो चुकी है 8 दिसंबर को, और इसका कोई भी सस्पेंस या किसी भी तरह का वो हम ब्रेक नहीं करना चाहते। हम चाहते जी हैं लोग चाहें देखें इसको Zee5 ग्लोबल बिल्कुल. पे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर.